कोरोना संकट काल में रव थाना प्रभारी और थाने का स्टाफ लोगों के लिए बने संकट मोचन। प्रतिदिन सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को खुद की तनख्वाह से करवा रहे हैं भोजन। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जिला इन दिनों कोरोना संक्रमित महामारी की अत्यधिक चपेट में आने के कारण हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसके चलते इंदौर चर्चा में बना हुआ है। वही जिले का रव पुलिस थाना और थाना प्रभारी भी जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस खाकी वर्दी और हाथों के रखे हुए डंडों को देखकर अच्छी अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, वही गुंडे बदमाश पतली गली पकड़कर रफ चक्कर हो जाते हैं। परंतु रव देवास फोर लेन बाईपास सर्कल पर इन दिनों खाकी का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। जवान से लेकर थाना प्रभारी के हाथों में डंडे के स्थान पर हाथों में पूरी मिठाई के धामे और रोटी की थाल के साथ साथ दाल सब्जी की बाल्टियां और स्वादिष्ट व्यंजन नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रव पुलिस थाने के पुलिस स्टाफ और थाना प्रभारी श्री नरेंद्र रघुवंशी की, जिन्होंने अपने थाना क्षेत्र में पुलिस की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है। खाकी से डरने वाली पुलिस इन दिनों पुलिस के हाथों में परसा गया भरपेट स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर लुफ्त उठा रहे हैं। और यहाँ पर सब नज़ारा विगत एक सप्ताह से रव देवास पीतमपुर फोनलेन पर लगे टेंट में नजर आ रहा है। दरअसल थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी और पुलिस स्टाफ द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य प्रांतों से कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू को लेकर बदहाली और आर्थिक हाल से तंग आकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित अन्य प्रांतों की ओर सफर तय कर अपने अपने साधनों से और पैदल ही कूच कर पुनः अपने घरों की ओर रुक कर रहे हैं। प्रवासियों की मजबूरी और बदहाल स्थिति को देखते हुए रव थाना प्रभारी श्री नरेंद्र रघुवंशी और उनके पुलिस स्टाफ ने गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए 24 घंटे सतत भोजन भंडारे का कैंप लगा रखा है, जिसमें प्रतिदिन तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन प्रवासी मजदूरों को रव पुलिस द्वारा कराए जा रहे हैं। इस पुनित कार्य की एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ जवान से लेकर हेड साहब और ASI और सब इंस्पेक्टर, चाहे महिला हो या पुरुष, फिर यहाँ थाना प्रभारी सब नित्य अपनी शासकीय नौकरी का समय खत्म होने के बाद घर न जाते हुए यहाँ पर कुछ समय बारी बारी से सेवा देते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण स्टाफ द्वारा अपनी मासिक वेतन के अंश और जमा पूंजी से आर्थिक योगदान कर प्रवासियों के लिए निःशुल्क भोजन भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल का मद्देनजर रखते हुए उक्त भंडारा और भोजन व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रवासियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए बैठक के व्यवस्था तो की ही गई है, साथ ही में चिलचिलाती धूप से बचाव हेतु टेंट व कुर्सी की व्यवस्था भी थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी द्वारा पृथक से की गई है। रव पुलिस और थाना प्रभारी श्री रघुवंशी के इस पुनित निःशुल्क सराहनीय उल्लेखनीय सेवा कार्य और योगदान की इंदौर जिले में चर्चा बनी हुई है। गौरतलब हो कि 5 साल पूर्व जिले की महू तहसील अंतर्गत किशनगंज पुलिस थाने में हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना अपने पुलिस स्टाफ के सहयोग से की थी और इस दौरान भव्य भंडारा आयोजित कर भोजन प्रसादी वितरित की थी। जब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर भंडारा आयोजित किया जाता है। यही नहीं, अभी तक थाना प्रभारी श्री रघुवंशी कई निर्धन और गरीबों की मदद भी कर चुके हैं और जो पुलिस विभाग के प्रेरणा बनकर मिसाल का सबब बन चुकी है। इस धार्मिक पुनित कार्य के साथ साथ थाना प्रभारी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई गंभीर और संदिग्ध अपराध ट्रेस कर विभाग में अपनी पहचान अलग से बना रखी है। इधर इस बुधवार को कर्फ्यू के दौरान थाना क्षेत्र में भ्रमण के लिए थाना प्रभारी श्री रघुवंशी निकले थे। इस दौरान थाना प्रभारी की निगाह क्षेत्र के रंगवासा में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग अम्मा जी पर पड़ी, जो हाथों में थैली टांग कर बाजार की ओर जा रही थी। जब थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने कर्फ्यू का हवाला देते हुए बुजुर्ग अम्मा जी से पूछा कि कर्फ्यू लगा है और कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आता कहाँ को अपनी जान जोखिम में डालकर घूम रही हो? और थाना प्रभारी श्री रघुवंशी के इतना बोलते हुए बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल आए और अपनी रुदली आवाज़ में बोली कि मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है, घर पर कमाने धमाने वाला कोई नहीं है, मुझे गरीबी रेखा के कारण राशन दुकान से निःशुल्क राशन मिलता है, इसलिए राशन लेने आई थी, किंतु शासकीय
दुकान बंद है और अब राशन कहाँ से खरीदूंगी। इतना कहते ही अम्मा जी की आंखों में आंसू छलक आए और वो बोली कि बेटा घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। टीआई ने भी बूढ़ी अम्मा की मजबूरी समझकर पास ही में मौजूद एक किराने की दुकान खुलवाकर अपने पर्स से पैसे निकालकर किराने का सामान दिलवाया। तत्पश्चात उन्हें स्टाफ को बुलाकर अपने निजी वाहन से घर भी छुड़वाया। थाना प्रभारी की इस दरियादिली को क्षेत्र के कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसको लेकर थाना प्रभारी के इस योगदान व सराहनीय कार्य की चर्चाएं पूरे जिले में जोरों पर हो रही है। वहीं थाना प्रभारी की इस दरियादिली के कारण खाकी की शान भी जिले में बढ़ गई है, जिसके कारण रोग पुलिस और थाना प्रभारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।